नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नारनौल शहर के सरकारी अस्पताल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, अनाज मंडी और अन्य प्रमुख जगहों से होकर गुजरने वाला मुख्य मार्ग कई महीनों से खराब होने की वजह से शहरवासियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन मानव अधिकार आयोग के लोकायुक्त सतीश मित्तल और हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश यादव के हस्तक्षेप के बाद अब इस मार्ग का कार्य शुरू हो गया है। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि शहर में सीवर लाइन का कार्य चलने के कारण रोड टूट गया था। इसको लेकर आमजन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन अब रोड का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही लोगों की समस्या से निजात मिल जाएगी। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। शहर में एक नई सीवर लाइन डलवाई है। पुरानी सीवर लाइन काफ़ी पुरानी हो गई थी और साइज छोटा था। अब शहर बढ़ गया तो नई सीवर लाइन डली है। उसका कार्य जैसे जैसे पूरा हुआ, लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बीच में बारिश आ गई, कोविड का चक्कर आ गया। अब सीवर का काम पूरा हो गया है और रोड का काम भी साथ साथ शुरू हो गया है। जल्दी ये काम पूरा हो जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।